नमस्कार दोस्तों, हर हफ्ते की तरह आज भी आपके सामने पेश हुआ हूँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में। जो भी नए नए सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं मेरे विचार आपके सामने रखता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो शायद हिंदी में पूरी एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए कुछ जो सर्कुलर्स जो रिजर्व बैंक निकालती है वो सब अंग्रेज़ी में निकालती है और उसका मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो अंग्रेज़ी और हिंदी इन दोनों भाषाओं में बनाता हूँ। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में जितने भी दोस्त हैं उन सबको भेजिए। लास्ट संडे मैंने एक सब्जेक्ट छेड़ा था, उसमें मैंने कहा था कि मैं शायद उस विषय पे 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक वीडियो का काम नहीं था, वो शायद एक ट्रेलर था। मैंने 24 सितंबर 2021 को जो रिजर्व बैंक ने ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स और लोन एक्सपोजर्स के बारे में जो सर्कुलर निकाला था 24 सितंबर 2021 को, उसकी शुरुआत मैंने उस वीडियो में की थी। आई हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन सम ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ एआरसी बाय स्टेटिंग दैट आई विल टॉक अबाउट दिस सर्कुलर एज ऑफ 24 सितंबर 2021 इन माई सब्सिक्वेंट वीडियो। अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू कवर अप वॉट द सर्कुलर कंटेंट्स फॉर यू एंड प्रॉबली इन दी थर्ड सीरीज फॉर द सेम सब्जेक्ट देर विल बी वन मोर शॉर्टर वीडियो। आई हैड ऑलरेडी साउंडेड, मैंने पिछली बार भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद रिजर्व बैंक के पीछे नैफकब और फेडरेशन लगी पड़ी थी कि दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शुड ऑल्सो बी अलाउड टू सेल दी एसेट्स टू एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज एआरसीज। और वो ट्रांजेक्शन किस तरह से होता है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा लास्ट संडे का वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ने जो 24 सितंबर 2021 को जो सर्कुलर निकाला था दैट वाज ऑफ 31 पेजेस, और वो सर्कुलर देख के ही जो छोटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाला है उसको टेंशन हो सकता है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि वो पूरा 31 पन्ने का सर्कुलर है और इस सर्कुलर में पूरी खिचड़ी पकाई है। व्हाई आई से दिस, खिचड़ी पकाई है ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये सर्कुलर रिजर्व बैंक ने सभी एंटिटीज के लिए निकाला है, कमर्शियल बैंक्स हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, इन सब के लिए निकाला है, या रीजनल रूरल बैंक्स हो, इन सब के लिए कॉम्पोजिट इंस्ट्रक्शंस इस सर्कुलर में है। तो इसमें एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर आपको क्या करना चाहिए, आपको चेरी पिकिंग करना चाहिए। व्हाट इज दैट चेरी पिकिंग, कि वो पूरे सर्कुलर में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सब लागू नहीं होती है, लेकिन आपको वो तय करना बहुत जरूरी है कि वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन सी कंडीशंस लागू होती है। हालांकि मोटा मोटा पूरा सब्जेक्ट जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लागू होता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस बनाए गए हैं और मैं उस सर्कुलर के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे आज भाष्य करूंगा। एक या दो पहलू है जिसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो शायद मेरा जो अगला वीडियो आएगा पार्ट 3 जो आएगा उसमें मैं कुछ वैल्यूएशन के बारे में या फिर उसके अंडर करंट प्रोविजनिंग के बारे में, एसआर के वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दूंगा। आई विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट दी एसआर, इट्स वैल्यूएशन, इट्स एग्जिट एंड एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक फॉर मी टू एक्सप्लेन। एंड देन देर आर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑन द एंटायर सर्कुलर फ्रॉम दी प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी, सो वील वेट एंड आई विल गो फॉर दी थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज।
बहरहाल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी सर्कुलर विच हैज बीन इश्यूड ऑन 24 सितंबर 2021. वो आप सबने पढ़ा होगा. यू मस्ट हैव रेड दैट सर्कुलर एंड यू मस्ट हैव गॉट कन्फ्यूज. देयरफॉर टू ब्रिंग आउट अ क्लैरिटी आई वुड लाइक टू रेफर टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स एंड देन टॉक सीरियली में हर एक प्रोविजन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा. थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको आसानी से समझ में आएगा. सर्कुलर को आप अगर देखते हैं तो वो मास्टर डायरेक्शंस हैं. इसका मतलब ये है कि वो सभी को लागू होते हैं और इसका अगर हम अनुपालन नहीं करते, इफ़ वी डू नॉट फॉलो दी इंस्ट्रक्शंस कंटेंड देयर इन, विल इनवाइट पेनल्टीज फ्रॉम दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेम, बिकॉज इट्स अ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन हैज़ टू बी कंप्लाइड विद. हैविंग सेड दैट, इस सर्कुलर का जो लॉजिक इनिशियली रिजर्व बैंक में रखा है शायद वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लागू नहीं होता है. क्यों नहीं लागू होता है? रिजर्व बैंक का ये कहना है कि ये जो डायरेक्शंस हमने दिए हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, जो बिगर बैंक्स हैं, उनको पोर्टफोलियो रीशफल करने के लिए, सेल करने के लिए या फिर लिक्विडिटी मोबिलाइज करने के लिए हमने ये ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर की गाइडलाइंस दी गई है. और ये गाइडलाइंस किन लोगों को लागू होती है, किन संस्थाओं को लागू होती है, आई विल बी रेफरिंग टू द सर्कुलर टू बी मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट सो दैट आई डोंट कमिट एरर्स. ये सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लागू होती है, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. अभी ये जो कैटेगरीज है ए टू ई करके जो कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि जो कैटेगरी बी है वो कैटेगरी जो है और कैटेगरी सी जो है जिसको हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनको स्टैंडर्ड एसेट का पोर्टफोलियो ट्रांसफर करने की या सेल करने की परमिशन नहीं है. सर्कुलर का टाइटल क्या है? द डायरेक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर्स. इसका मतलब ये हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन के पास समझो हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो पड़ा है और वो माइग्रेट करना चाहते हैं, उनका बिजनेस मॉडल वो बदलना चाहते हैं, तो वो पूरा हाउसिंग लोन का उनका जो पोर्टफोलियो वो बेच सकते हैं. लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, मुझे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कोई भी स्टैंडर्ड एसेट ट्रांसफर करने की या सेल करने की परमिशन नहीं है. दस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन सेल ओनली दी डिस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड लोन्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस मास्टर डायरेक्शन. स्ट्रेस लोन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस लोन का मतलब ये हुआ कि जो एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 की गाइडलाइंस है वो पकड़ के आप उसके उसमें आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी पकड़ सकते हो और वो सब आप बेच सकते हो. किन्हें बेच सकते हो? प्रेफरेबली टू एआरसी. अभी एसएमए 0 या एसएमए 1 या एसएमए 2 एंड एनपीए में अंतर क्या है? एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2 एनपीए नहीं हो सकता है क्योंकि वो एनपीए हो गया तो उसको 90 डेज का डिफॉल्ट उसमें आ जाता है. लेकिन इस सर्कुलर में डिस्ट्रेस एसेट की डेफिनेशन बनाई गई है. सो एसएमए 0, एसएमए 1 भी आप बेच सकते हो, एनपीए भी आप एआरसी को बेच सकते हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकते हो. अभी इसमें इस एआरसी को ही क्यों बेचना? उन्होंने ये कहा है इसमें कि आपसे ये डिस्ट्रेस एसेट खरीदने वाला कौन होगा? परमिटेड एंटिटी. इसका मतलब ये है कि कल जाके अगर कोई कमर्शियल बैंक एनपीए एसेट लेकर के उसमें से प्रॉफिट कमाने का बिजनेस करना चाहती है तो वो शायद कर सकती है. तो कमर्शियल बैंक ऐसा धंधा क्यों करेंगे? उसकी वजह मैंने पिछली बार थोड़ी सी हाईलाइट की थी. आई हैड हाईलाइटेड व्हाई एनपीएस डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, बिकॉज द प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी हाई. आपसे जब कोई डिस्ट्रेस एसेट लेता है तो वो बिल्कुल कचरे के भाव में वो अकाउंट को उठाते हैं
और उसके ऊपर बहुत सारा प्रॉफिट वो कमा सकते हैं। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज वेरी हाई, स्टेक इज वेरी हाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंडर स्पेसिफाइड इन दिस एलिजिबल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज, इसमें बी और सी जो है वो सिर्फ स्ट्रेस्ड एसेट बेच सकते हैं, विच इंक्लूड्स एनपीएस एज वेल। उसके बाद में उन्होंने कुछ डेफिनेशंस इसमें दी है, जो डेफिनेशंस हमें याद रखना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिफॉल्ट का मतलब क्या है। वो डिफॉल्ट का मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आईबीसी कोड जो है उसमें जो डिफॉल्ट की डेफिनेशन दी है वो इन्होंने इंपोर्ट की है। नेट बुक वैल्यू की डेफिनेशन इन्होंने बताई है, जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि प्रिंसिपल बैलेंस लेस द प्रोविजन आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स इज द नेट बुक वैल्यू। परमिटेड ट्रांसफरीज, जो मैंने अभी कहा कि ए टू डी के कैटेगरी में जो परमिटेड ट्रांसफरीज कौन है, हमारे लिए यही सोचना है कि भाई हमको तो एआरसी को ही देना है। स्ट्रेस लोन का मतलब भी उन्होंने इसमें समझाया है। ट्रांसफर का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ द एंटायर अकाउंट अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक इंटरेस्ट एसेट्स एंड सिक्योरिटी। हालांकि इन द डायरेक्शन देर इज अ प्रोविजन कि आप एआरसी को बगैर सेल उसको रिकवरी एजेंट अपॉइंट करके भी एनपी की वसूली कर सकते हो, लेकिन फिर एआरसी में अकाउंट ले जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अगर एआरसी को अकाउंट बेचना है तो कंप्लीट ट्रांसफर, नॉट बाय अपॉइंटिंग द रिकवरी एजेंट टू द एआरसी, वी हैव टू सेल इट कंप्लीटली। ट्रांसफरी का मतलब है कि जो आपसे ये एनपी अकाउंट लेगा यानी वो एआरसी होगी। ट्रांसफरर का मतलब है आप, यू वुड बी द ट्रांसफरर, बेचने वाला, द वन हु इज गोइंग टू सेल। सो इस सर्कुलर में जहां जहां भी ट्रांसफरर ये शब्द आया है उसका मतलब आप पकड़ के चलो, यू आर द ट्रांसफरर। और ट्रांसफरी फॉर अ लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एंटायर सर्कुलर, आई विल कंसिडर दैट एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सो दैट देर विल बी लेस कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सर्कुलर। अहम बात क्या है इसमें कि अगर आपको आपके जो स्ट्रेस असेट्स है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग एनपीए ही बेचेंगे, अगर हम लोग एनपीए एआरसी को बेचना चाहते हैं तो व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, आपको एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वो क्लॉज 10 में उन्होंने दी है कि उसमें गाइडलाइंस क्या होगी कि आपको एआरसी को अगर अकाउंट बेचना है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसका ड्यू डिलीजेंस किस तरह से होगा, इसके ऊपर मैं विस्तार से भी बात करूंगा। आपके रिस्क मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होंगे, आपका डेटा मैनेजमेंट किस तरह से होगा, इंडिपेंडेंट आर्म्स लाइक फंक्शनिंग आपके डिपार्टमेंट कैसे कैसे होगा, और ये पूरा जो एआरसी सेल का तामझाम है ये आपकी बोर्ड की पॉलिसी में आना जरूरी है। अब ये बोर्ड की पॉलिसी में आना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्शन होगा ये आपके डिपार्टमेंट के बंदे लेंगे, लेकिन आपको उनको गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। आप किस तरह से गाइडेंस दोगे, हाउ यू विल गाइड देम, बाय ड्रॉइंग अ क्लियर कट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी कैसे ड्रॉ करनी है, कोई किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाओ, एआरसी पॉलिसी टाइप करो, आपको 10-12 बैंकों की एआरसी पॉलिसी मिल जाएगी। उसमें आपको चेरी पिकिंग करना है, मेरी बैंक क्या है, मुझे क्या करना है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने या प्राइवेट सेक्टर बैंक ने उनकी बोर्ड की एआरसी की पॉलिसी किस तरह से बनाई है, कोई कंसल्टेंट लेने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग वाला काम नहीं है। इट इज नथिंग ब्रिलियंट एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। एआरसी की पॉलिसी कम से कम 8 या 10 बैंकों की एआरसी की बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी आपको गूगल पे मिल जाएगी। वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके बैंक की साइज, आपके रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से उसमें से जो क्लॉजेस है वो पिकअप कर लीजिएगा। कॉशन एक ही है कि इस वक्त जो गूगल पे ये जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो पुराने सर्कुलर के बेसिस पे है, तो नए सर्कुलर के बेसिस पे अभी आपको वहां पे कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट रेडीली अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट जो है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर 2014 का जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दिया हुआ जो सर्कुलर है वो सर्कुलर अगर आप देखोगे, और ये 2021 का सर्कुलर देखोगे, कंसेप्ट आर सेम। अगर कंसेप्ट सेम है तो आपको ये गूगल पे आपको एआरसी पॉलिसी कैसे बनानी है वो आपको मिल जाएगी। यू हैव टू जस्ट कॉन्फिगर इट टू योर नीड्स, डू कॉन्फिगर इट प्रॉपरली, योर पॉलिसी विल बी रेडी। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस।
दूसरी कंडीशन जो इसमें लगाई गई है या लिखी गई है, अगर आप एआरसी को कोई अकाउंट बेचते हो तो वो अकाउंट आप किसी भी हालत में वापस एआरसी से नहीं ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि एआरसी को आपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, आपके एनपीए कम हो गए, और उस अकाउंट में अगर रिकवरी होना है तो वो रिकवरी एआरसी वाला बंदा करेगा। वो जो टर्म्स आपकी डिसाइड हो गई है उसके हिसाब से एआरसी वाला बंदा करेगा। आप कल जाके ये नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड टुमारो कि मेरा बोरोवर है, मैंने एआरसी को बेचा था, लेकिन मेरा बोरोवर मेरे को ही पैसा देने वाला है, ही इज गोइंग टू पे मी, ही डजंट नो एआरसी, हाउ ही विल गो टू एआरसी ऑफिस, नथिंग डूइंग, यू हैव नो चॉइस। यू विल हैव टू एंश्योर दैट द बोरोवर हुज अकाउंट यू हैव सोल्ड टू एआरसी, यू एंश्योर दैट द बोरोवर गोज बैक फॉर द रीपेमेंट टू एआरसी। अभी एआरसी उसमें किस तरह से उनके मार्जिन बढ़ाती है या किस तरह से हाउ डू दे जैक अप द रिकवरी शेड्यूल्स, उसके बारे में मैं पार्ट थ्री में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में अभी बोलना चालू कर दूंगा तो ये वीडियो का जो फोकस है ये सर्कुलर समझना ये पूरा नहीं हो पाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रियली अंडरस्टैंड दिस सर्कुलर प्रॉपरली। वंस वी अंडरस्टैंड दिस सर्कुलर प्रॉपरली देन द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आई विल डू प्रोबेबली इन द थर्ड पार्ट। आई विल ऑल्सो शेयर couple of concerns even within this circular. तो उसमें chapter 4 जो है, the chapter 4 talks about the transfer of stress assets and chapter 3 talks of transfer of loans which are not in default. ये chapter 3 आपको देखना ही नहीं है क्योंकि आपको applicable ही नहीं है। So almost the entire circular जो 31 pages का है उसको आप मोटा मोटा अगर एडिट करेंगे तो आपको जो गाइडलाइंस आने वाली है वो 10 या 11 पन्ने की है, जो आपको लागू नहीं होती ना उसके बारे में पढ़ के आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली हैव टू एंश्योर दैट व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू, यू अंडरस्टैंड दैट वेल। वंस यू अंडरस्टैंड दैट वेल यू कैन डू द सेल ट्रांजेक्शंस इन अ वेरी प्रॉपर फैशन एंड विदाउट कमिटिंग एनी डिफॉल्ट, विदाउट कमिटिंग एनी एरर। आपको पॉलिसी बनानी है, ये तो मैंने आपको बेच दिया, लेकिन आपको अकाउंट्स जो अकाउंट बेचने हैं उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसको वो अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वो अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद उनका वैल्यूएशन किस तरह से होगा, उसकी नेट बुक वैल्यू तो डिसाइड हो गई लेकिन उसका वैल्यूएशन की जो मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी आपको तय करनी पड़ेगी। आपके पास डेलीगेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा और जो उसमें कंसिडरेशंस है, आपके पॉलिसी में जो कंसिडरेशंस आने वाले हैं उसका पूरा ब्यौरा इस सर्कुलर में आया है जो आपको लागू होता है, और वो आपको जो पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी उसमें आपको ये सोचना है कि बोर्ड को क्या डिसाइड करना पड़ेगा। बोर्ड हैज़ टू डिसाइड अ लिमिट फॉर एन एनपीए अकाउंट विच यू कैन सेल। यू कैन डिसाइड दैट ऑल अकाउंट्स which are having outstanding limit of say 50 lakhs and above are eligible for sale to ARC. The amount will depend and differ from bank to bank. So that has to be decided by the bank by considering the size of your total portfolio, the size of total NPAs and the eligible accounts you wish to sell or transfer to the ARC, whereunder you are not put to loss. The underlying valuation of the security that is available along with the NBV, you are not put to loss. ये transaction के बारे में मैं next episode में, third episode में थोड़ी सी बात मैं करूँगा। इसमें valuation और इसकी clarity आपको लानी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसमें थोड़े confused होते हैं कि हम किस तरह से बेचेंगे। भाई दिस इज द टाइम वेयर द कंसल्टेंट्स आर बूमिंग एट लास्ट टू एडवाइज द बैंक्स। कंसल्टेंट ठीक है, ज्ञान पाने के लिए ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको वो समझ में आ गया कि आपको ये किस तरह से डिजाइन करना है तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसमें एक जो उल्लेख जिसका मैंने पिछली बार भी कहा था कि स्विस चैलेंज मेथड रिजर्व बैंक ने इसमें रेफर की है। स्विस चैलेंज मेथड अप्लाई कब होती है? जब आप 100 करोड़ से ऊपर अकाउंट सेल करने वाले हो तो अप्लाई होती है। आपकी बैंक अगर छोटी है तो आप 100 करोड़ के एनपीए अकाउंट बेचोगे ही नहीं।
इसका मतलब ये हुआ, इफ यू आर गोइंग टू सेल दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लेस देन 100 crores, आपको स्विस चैलेंज मेथड की जरूरत नहीं है. स्विस चैलेंज मेथड सिंपली अगर एक्सप्लेन करूं मैं तो इट्स लाइक दिस. एक एआरसी के साथ में आपने बैठ के एक प्राइस डिसाइड कर ली, और वो प्राइस डिसाइड करने के बाद में उसको हम लोग रिजर्व बैंक एक्सपेक्ट ये करती है कि जो आपने प्राइस डिसाइड की है वो सही है या गलत है, जिसको प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म कहा जाता है. तो ये जो आपने प्राइस डिसाइड की है बायलैटरली, आपकी बैंक और एआरसी ने मिलकर जो प्राइस डिसाइड की है उसको टेस्ट करना है. टेस्ट किस तरह से करना है? कॉल फॉर द काउंटर बिडर्स. दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दी स्विस चैलेंज मेथड. उसमें 6 पन्ने रिजर्व बैंक ने इन्वेस्ट किए हैं स्विस चैलेंज मेथड एक्सप्लेन करने के लिए. तुम्हारे और मेरी बैंक, मेरे जैसे बैंक के लिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं है. इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. तीसरी बात इसमें जो मुझे लगती है कि जो पिछले सर्कुलर में नहीं थी वो ऐसी थी कि मैंने अकाउंट एआरसी को भेज दिया, मेरे पास एनपीए था, लेकिन वो एनपीए होने के बावजूद अगर मैंने उसको, जो तुम्हारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है उसको, अगर मैंने उसका इंफॉर्मेशन, ओवरड्यू का इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो ये पहली गलत बात हो गई. लेकिन इस सर्कुलर में ऐसा कहा गया है कि एआरसी को बेचने के बाद में द अकाउंट हैज बीन सोल्ड टू एआरसी हैज टू बी रिपोर्टेड टू दी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जैसे सिबिल वगैरह है वो. उसके बारे में पिछले सर्कुलर में कुछ रेफरेंस नहीं था, लेकिन इस बार जो ट्रांसफरी है यानी जो एआरसी है उसकी जिम्मेवारी फिक्स कराई गई है कि इसके बारे में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में जो रिपोर्ट करना है या जो डाउनग्रेडिंग करना है उसकी जिम्मेवारी एसेट टेक ओवर करने के बाद में आपको वो एआरसी को उन्होंने फिक्स करवाई है. एआरसी शुड इंश्योर दैट द सिबिल रेटिंग इज डन इन अ करेक्ट वे और करेक्ट फैशन. एक और चीज मुझे इस सर्कुलर में दिख रही है जो पिछली सर्कुलर में नहीं थी, वो ये है कि अकाउंट एनपीए होने के बाद में आप ट्रांसफरर है, आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, आपको इस अकाउंट के बारे में जो आपने एआरसी को बेचा है, यू विल हैव टू कंटिन्यू टू परस्यू दी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एस्पेक्ट. इट वुड मीन दैट जो अकाउंट आप एआरसी को बेचना चाहते हैं आपको स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के एस्पेक्ट इस अकाउंट के बारे में है वो इन्वेस्टिगेट करके उसका रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए. मतलब ये है कि अगर इसमें कोई डिलिंक्वेंसी है या आपका जो कोई ऑफिसर है या कोई बंदा है जिसमें प्रोसीजर लैप्सेस अकाउंट में है तो उसका पनिशमेंट या रूट आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. वो पनिशमेंट या रूट जो भी है, जो मैटर होगा, वो आपको कंटिन्यूसली परस्यू करना पड़ेगा. वो अगर आप परस्यू नहीं करते हो तो दैट विल बी व्यूड वेरी सीरियसली. यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट देर आर नो लैप्सेस, और इफ देर आर लैप्सेस यू विल हैव टू टेक इट टू दी लॉजिकल कंक्लूजन्स. और एक बढ़िया चीज इसमें आई है कि अकाउंट एनपीए है लेकिन फ्रॉड करके रिपोर्ट अगर हुआ है तो उसको भी आप एआरसी को बेच सकते हो. दिस इज द ग्रेट रिलीफ दिस सर्कुलर इज गिविंग. देन एआरसी को आपको फ्रीडम देना है कि एआरसी इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकती है, हाउ दे विल सेल इट, हाउ दे विल कॉम्प्रोमाइज. यू विल हैव नो राइट टू इन्फॉर्मेशन, यू विल हैव नो राइट टू एडवाइज देम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू अ सेटलमेंट, हाउ टू डू अ वन टाइम सेटलमेंट. उस बोरोर के साथ में एआरसी को बेच दिया, आपका कंट्रोल गया, आपको कुछ भी आप उसके बारे में करने की आपको जरूरत नहीं है. अकाउंटिंग के बारे में ऐसा है कि अगर एनडीए के नीचे आप अगर एसेट सेल करते हो तो उसको आपको पीएनएल में आपका जो लॉस होगा वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं तफसील से या डिटेल्स में आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट. फॉर द सिंपल रीजन द अकाउंटिंग एंट्री एंड सेवरल अदर थिंग्स रिक्वायर सम कन्फर्मेशन एंड सम अंडरस्टैंडिंग.
और मैं ये मानता हूँ कि ये जो सर्कुलर आया है इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, जैसे कि एसआर जब क्रिएट होती है उसके वैल्यूएशन के बारे में इन्होंने एक 77 नंबर का पॉइंट डाला है। वो 77 नंबर का पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग बैंक है, जो एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट बैंक है, उनके उनके भी होश उड़ जाएंगे। और द पर्पज ऑफ सेलिंग द एसेट टू द एआरसी इज वन, क्लीन द बैलेंस शीट, टू अवॉइड प्रोविजनिंग, थ्री रिकवर एट अ लेटेंट पेस ऑफ 7 ईयर्स और 8 ईयर्स और वॉट एवर दैट पीरियड इज। दिस सर्कुलर deprives all the ARC sales the urban cooperative banks have done earlier, not only urban cooperative banks, even the commercial banks which have done. Because what they are saying, if you look at the clause 77 of this particular circular, you will find that अगर आप total SR में से एक particular result 10% के ऊपर है तो आपको 10% के ऊपर का जो SR आपके books में है उसको आपको कंटिन्यूस प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ आईरैक नॉर्म्स करने हैं। तो इसमें इसका मजा ही पूरा निकल गया है। किस तरह से करना है, क्यों करना है, इसके तफसील में आई विल बी रेफरिंग बैक इन माय थर्ड पार्ट, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक दैट हैज टू बी डेल्ट इन डिटेल। मुझे लगता है कि ये जो सर्कुलर है एज ए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अगर आप इसको देखोगे तो देर आर सम 10 or 11 क्लॉजेस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली स्पेल आउट, और इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी आई वुड लाइक टू एंड अप दिस वीडियो बाय गिविंग यू द स्पेसिफिक क्लॉजेस इन दिस सर्कुलर विच आर एप्लीकेबल टू यू। सो वॉट आई विल ट्राई टू डू, आई विल जस्ट ट्राई टू पिनपॉइंट द क्लॉजेस विच यू मस्ट फॉलो, रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रीट करेक्टली फॉर डीलिंग विद द transfer of loan exposure, of course the stressed loan portfolio to ARC. In the third part we are going to discuss about the accounting, the valuation and provisioning. That's one of the most critical aspect and you have to understand. I am trying to build a mechanism through which I can give you a live example which will be easier for you to understand. If I am in a position to do that, that will be good. Otherwise, we will keep on talking about the same simple, easy example, 100 rupees outstanding, 30 rupees provisioning, value of security 50 rupees. So based on that, NBVA and valuation, everything we will deal in part 3. I hope you understand and you like what I am talking. It will be my humble request to watch the video fully, raise questions, ask me questions. I am trying to understand this particular thoroughly because there are disputed points given here and there. And of course, the commercial banks would also raise an alarm or raise a red flag on the point number 77 of this particular circular. How that happens, I do not know. Here is a role for the federations as well as the NAFCAB to raise the red flag, because hum chahte the, we wanted a categorical benefit of sale of non-performing assets to ARC, but this particular circular, if you read it correctly, it's a damn squib. It doesn't encourage you. And if you want to be a good bank, take my advice. It's very difficult to sell the asset to ARC. As I said in my last circular, I'll repeat that. It's just postponement of death. And how to avoid that death? Part 3. Do watch part 3. Like, share. Thank you.